हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कॉम्पैक्ट ने इंडियन मार्केट में अपने कुछ नए स्मार्ट टीवीज को लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम टीवीज के बारे में सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, जानेंगे कि यहाँ पर हमें क्या कुछ खास देखने मिलता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या है इन टीवीज को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या आपको ये टीवीज बाय करने चाहिए या फिर नहीं, और बाकी अदर कॉम्पिटिटर के हिसाब से कॉम्पैक्ट की ये नई स्मार्ट टीवीज कैसी निकल कर आती हैं। तो अगर आप भी एक नई स्मार्ट टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप कॉम्पैक्ट टीवीज में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आगे जाकर ये वीडियो आप सभी के लिए जरा सा भी हेल्पफुल निकल कर आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप सभी का इंतजार कर रहा है, तो उस पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आप वीडियो को फाइनली यहां पर हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को कॉम्पैक्ट ब्रांड के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि आपको ब्रांड को लेकर कोई डाउट ना रहे। बात करते हैं यहाँ पर हम स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री में कॉम्पैक्ट ये काफी ज्यादा नया नाम निकल कर आता है, लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स की, तो उस केस में कॉम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। ये जो कंपनी है ये 1982 में स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद 2007 में एचपी ने इसे एक्वायर कर लिया, और एचपी के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट स्मार्ट टीवीज की, तो ये यहाँ पर ऑसिफाइज इंडस्ट्रीज की तरफ से देखने मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पैक्ट टीवीज का जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वो फिलहाल ऑसिफाइज इंडस्ट्री के पास है, और यहाँ पर ये जो टीवीज है फिलहाल हरियाणा में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। तो ये थी ब्रांड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और रही बात क्या ये टीवी ब्रांडेड कंपनी की तरफ से आती है, तो जी हाँ दोस्तों, ये टीवी जो है काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरफ से आती है, आप इस पे भरोसा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट के नए स्मार्ट टीवीज की। तो फिलहाल यहाँ पर कॉम्पैक्ट ने सिर्फ एक ही सीरीज को लॉन्च किया है, जो कि है कॉम्पैक्ट के हेक्स सीरीज। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स देखने मिलते हैं, पहला है 55 इंच और दूसरा है 65 इंच। इसी के साथ दोस्तों, कॉम्पैक्ट ने लॉन्च इवेंट में ये भी अनाउंस किया है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कॉम्पैक्ट की तरफ से और बहुत सारे स्क्रीन साइजेस में टीवीज मिलने वाले हैं, जैसे कि 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, ऐसे बहुत सारे स्क्रीन साइजेस में कॉम्पैक्ट की आने वाले टीवीज भी अवेलेबल होने वाली हैं। और रही बात प्राइसिंग की, तो मेरे हिसाब से इन टीवीज की भी प्राइसिंग बाकी अदर बजट ब्रांड जैसे ही होने वाली है, लाइक सैनियो, व्यू, आपको प्राइसिंग इनके जैसे ही मिलने वाली है। फिलहाल ये बाकी के वेरिएंट्स कब आएंगे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। बात करते हैं यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट के हेक्स सीरीज की, जो कि कॉम्पैक्ट की तरफ से इनकी प्रीमियम टीवीज होने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो टीवीज़ हैं ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं, और ये दोनों ही टीवीज़ क्यूलेट टीवीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, इन टीवीज़ में आपको क्यूलेट पैनल देखने में जाता है, ईलेट बैकलाइटिंग यहाँ पर आपको मिलती है। बात करते हैं यहाँ पर हम ब्राइटनेस की, तो इन दोनों ही टीवीज़ में आपको 450 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको WCG प्लस का भी सपोर्ट मिलता है, यानी वाइट कलर गैमेट प्लस का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से जो टीवी है ये काफ़ी डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स को प्रोड्यूस कर पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको HDR10 एंड ESE का भी सपोर्ट दिया गया है। ESE का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस स्टेबलाइजेशन इंजन, जो कि फ्रेम बाय फ्रेम मोशन ब्लर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करता है। बात करते हैं यहाँ पर हम साउंड डिपार्टमेंट की, इन दोनों ही टीवीज में आपको 20 वॉट्स के बॉटम फायरिंग डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो एंड DTS ट्रू सराउंड सपोर्ट मिल जाता है। और इसी के साथ इन टीवीज में आपको मिमी पर्सनलाइज ऑडियो टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट दिया गया है। वेल, ये काफ़ी नई चीज़ लग रही है, बाकी इधर टीवीज़ में हमें ऐसा कुछ सुनने नहीं मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कॉम्पैक्ट ने मिमी पर्सनलाइज ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ में पार्टनरशिप किया है, जो कि एक अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी है। अब इसके मदद से दोस्तों, आपकी जो टीवी है वो पर्सनलाइज ऑडियो को प्रोड्यूस कर पाएगी, यानी कि आपके अकॉर्डिंग, आपके लिसनिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जो टीवी है वो प्रॉपर जो साउंड है उसको प्रोड्यूस कर पाएगी, ताकि आप जो साउंड क्वालिटी है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें और आपके ईयर को वो बिल्कुल भी हार्म ना करे। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम करेगी, क्या यहाँ पर इफेक्ट होने वाला है, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल, मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आऊँ, मैंने ऑलरेडी ब्रांड से कॉन्टैक्ट किया है, देखते हैं अगर मिल गई तो अच्छी बात है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इन टीवीज़ के परफॉर्मेंस यूनिट की, तो इन टीवीज़ में आपको मीडियाटेक क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A53 पर, आर्म कॉर्टेक्स A53 पर, और यहाँ पर आपको 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको माली T806 MP2 GPU देखने मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर हम
रैम की, तो इन टीवीज में आपको 2.5 GB की रैम एंड 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से आप सभी के लिए इनफ होने वाली है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर स्टोरेज और रैम की कमी नहीं महसूस होगी। बात करते हैं यहाँ पर हम कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट दिया गया है, लेकिन कौन सा वर्जन है ये स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर हम कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो दोनों ही टीवीज में आपको 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सारे एसेंशियल पोर्ट्स भी आपको इन दोनों टीवीज में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस टीवी की डिटेल स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस टीवी के लुक एंड डिजाइन की। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्मार्ट टीवी है ये बिल्कुल ही बेजललेस डिजाइन के साथ आती है। यहाँ पर आपको बहुत ही थिन बेजल्स देखने मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पर इस टीवी की थिकनेस की, तो यहाँ पर ये जो स्मार्ट टीवी है सिर्फ 6.2 mm थिक है, यानी कि हमारा जो स्मार्टफोन है उसके इतनी यहाँ पर आपको थिकनेस देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल जो टीवी का लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। बात करते हैं यहाँ पर हम प्राइसिंग की, तो जो 55 इंच का वेरिएंट है वो आपको लगभग 60,000 रुपीज में मिल जाएगा, और जो 65 इंच क्यूलेट वेरिएंट है वो आपको लगभग 90,000 रुपीज में फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। और दोनों ही टीवीज की बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये थे टीवीज़ के बारे में सारे डिटेल्स। अब यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि क्या हमें इन टीवीज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, आंसर यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। स्पेसिफिकेशन वाइज ये टीवीज़ काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं, हालांकि इन टीवीज़ की प्राइसिंग थोड़ी और कम होती तो और अच्छा होता। और अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट ब्रांड की, तो फिलहाल टीवी इंडस्ट्री में ये नया ब्रांड है और अभी तक इन टीवीज़ को किसी ने भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें इन टीवीज़ की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप इन टीवीज़ को बाय करना चाहते हो आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि आप वेट करोगे तो कुछ टाइम बाद आपको यूट्यूब पर इन टीवीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोज़ मिल जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों आप सभी के पास एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि ये टीवीज़ अच्छे निकल कर आते हैं या फिर नहीं। और इसी के साथ मैंने भी ब्रांड को कॉन्टैक्ट किया है रिव्यू यूनिट के लिए, अगर रिव्यू यूनिट आता है तो मैं भी आप सभी को डिटेल वीडियो बनाकर बता दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप एक क्यूलेट टीवी लेना ही चाहते हो तो मैं आपको सही में सजेस्ट करता हूँ आप वेट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में और बहुत सारे टीवीज आने वाले हैं। फ्यूचर का मतलब आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में और बहुत सारे क्यूलेट टीवीज आने वाले हैं। और अगर हम बात करें अदर क्यूलेट स्मार्ट टीवीज की, तो इस प्राइस रेंज में आपको TCL की C715 स्मार्ट टीवी मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आती है। इसके अलावा दोस्तों 7 September को मी टीवी होराइजन एडिशन भी लॉन्च होने वाला है। अगर वो क्यूलेट पैनल के साथ लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है इस प्राइस रेंज में। और इसी के साथ दोस्तों, इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ रियलमी की भी क्यूलेट टीवीज लॉन्च होने वाली है। इसी के साथ हाइसेंस ने भी अपने क्यूलेट टीवीज को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएंगे। दोस्तों तोशिबा की भी 65 इंच क्यूलेट टीवी लॉन्च होने वाली है, जिसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 80,000 से लेकर 90,000 रुपीज तक होने वाली है। और स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो उस टीवी में आपको 1000 nits की ब्राइटनेस, 120 hertz की रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि आपको लगभग 80,000 to 90,000 rupees में मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट 65 इंच का काफ़ी तगड़ा कंपटीशन हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप एक बजट क्यूलेट टीवी लेना चाहते हो तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको इंडियन मार्केट में और बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और हो सकता है कि आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाए काफी अच्छी प्राइस में। दोस्तों ये था मेरा वीडियो कॉम्पैक्ट के नए स्मार्ट टीवीज को लेकर। मैंने यहाँ पर अपने ओपिनियन भी आपको बता दिया है, मैंने आपको सजेस्ट भी कर दिया है। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके क्या ओपिनियन है इन टीवीज को लेकर, आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर, ये मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई कंफ्यूजन है या फिर आप मेरी सजेशन लेना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप सभी को रिप्लाई जरूर करूंगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए बट डेफिनेटली मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो बस लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।